हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर में घूमने के 10 सबसे अच्छे जगहों के बारे में, जबलपुर टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। और दोस्तों जबलपुर में घूमने के कई सारे अच्छे जगहें हैं जहाँ पे आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारी इस लिस्ट के नंबर 10 पर है पिसानहारी की मड़िया। दोस्तों ये जबलपुर में एक जैन तीर्थ स्थल है। और दोस्तों पिसानहारी की मड़िया को कहा जाता है कि करीबन 500 साल पहले बनाई गई थी। और ये जबलपुर में बहुत ही प्रचलित पर्यटक आकर्षण केंद्र है और ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप आना चाहें तो आपको स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आना होगा। और अगर यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह के 6 से रात के 9 बजे तक ओपन रहता है और ये जैन धर्म मंदिर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 9 की ओर। नंबर 9 तिलवारा घाट। जबलपुर में स्थित तिलवारा घाट ये वही स्थान है जहाँ पे महात्मा गांधी जी के अस्थियों को विसर्जन किया गया था, जिसके कारण ये काफी प्रचलित है। इसके अलावा ये अपने खूबसूरती के लिए भी पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है और यहाँ पे पवित्र नर्मदा नदी बहती है। ये जबलपुर में काफी अच्छी जगह है, अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो आ सकते हैं। दोस्तों नंबर 8 पर है बरगी डैम। ये जबलपुर शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर बरगी में स्थित है। और दोस्तों ये नर्मदा नदी पे बनी सबसे पहली 30 बांधों में से एक है और यहाँ पे काफी सारी फैसिलिटीज हैं। आप यहाँ पर जा करके वाटर स्कूटर्स, पैडल बोटिंग, स्पीड बोटिंग और क्रूज राइड भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही में ये बेस्ट पिकनिक स्पॉट है और इवनिंग के टाइम में यहाँ पे ब्यूटीफुल सनसेट व्यू भी दिखता है। और दोस्तों यहाँ पे जाने का समय है सुबह के 9 से शाम के 6 बजे तक और ये जबलपुर में घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है। नंबर 7 64 योगिनी टेम्पल। 10वीं शताब्दी में बनाई गई एक ऐतिहासिक स्थल है। दोस्तों ये लोकेटेड है जबलपुर के भेड़ाघाट में और यहाँ पे जाने का सबसे अच्छा समय है सुबह के 7 से रात के 8:30 बजे तक। और ये मंदिर समर्पित है भगवान शिव जी को और माता पार्वती को। ये जबलपुर में बहुत ही प्रचलित पर्यटक स्थल है। नंबर 6 रानी दुर्गावती म्यूजियम। दोस्तों अगर आप जबलपुर घूमने आए तो खास करके रानी दुर्गावती म्यूजियम जाना ना भूलें। ये म्यूजियम डेडिकेटेड है रानी दुर्गावती को। दोस्तों यहाँ पे जाने का समय है सुबह के 10 से शाम के 5 बजे तक और यहाँ की एंट्री फीस 10 रुपीस है। और दोस्तों इस म्यूजियम को लोगों के लिए सन 1976 में ओपन किया गया था और यहाँ पे आपको काफी सारे आर्ट्स और ब्यूटीफुल कलेक्शन देखने को मिलेगा। इस म्यूजियम में खास करके फोटोग्राफर्स आना काफी पसंद करते हैं। नंबर 5 मदन महल फोर्ट। दोस्तों ये चट्टानी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और मदन महल किला को 1116वीं ईस्वी में राजा मदन शाह द्वारा बनाया गया था और ये एक ऐतिहासिक किला है। हालांकि अभी के समय में ये किला काफी हद तक खंडहर बन चुका है, मगर ये पर्यटकों के बीच काफी आकर्षण का केंद्र रहता है। आप जबलपुर जाएं तो आपको यहाँ पर एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर आप जाना चाहें तो सुबह के 8 से शाम के 6:30 बजे तक जा सकते हैं। नंबर 4 बैलेंसिंग रॉक। दोस्तों बैलेंसिंग रॉक मदन महल किला से थोड़ी ही दूर पर स्थित है और ये प्रकृति के द्वारा बनाई गई एक आश्चर्यजनक स्थल है। ये एक बड़ी से चट्टान के ऊपर निर्मित एक चट्टानी पत्थर है। और दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो ये है, कई अर्थक्वेक आने के बावजूद इसे कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण ये एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यहाँ पे काफी टूरिस्ट इसे देखने आना पसंद करते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर है दुमना नेचर रिजर्व। ये जबलपुर में एक नेचर रिजर्व पार्क है। दोस्तों ये नेचर रिजर्व करीबन 1058 हेक्टर के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कई सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और आप यहाँ पर कई सारे एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर फिशिंग, बर्ड वॉचिंग और नेचर वॉक आप यहाँ पर कर सकते हैं। और दोस्तों इस नेचर पार्क के अंदर एक चिल्ड्रंस पार्क भी है जहाँ पे बोटिंग की भी फैसिलिटी है और टॉय ट्रेन की भी फैसिलिटी है। और दोस्तों यहाँ की एंट्री फीस पर पर्सन 20 रुपीस है। नंबर 2 मार्बल रॉक्स।
दोस्तों, ये नर्मदा नदी के किनारे की अजीबोगरीब संगमरमर की चट्टानें हैं, जो कि 100 फीट की ऊंचाई तक है। और दोस्तों, ये जबलपुर के भेड़ा घाट में स्थित है। दोस्तों, ये संगमरमर की चट्टानों को देखने यहाँ पर्यटक काफ़ी आना पसंद करते हैं, और यहाँ पर आप जा करके बोटिंग भी कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 की ओर। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 पर है धुआंधार फॉल्स। दोस्तों, ये भी जबलपुर के भेड़ा घाट में लोकेटेड है, और इस वाटरफॉल की हाइट है 98 फीट, और यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है। और यहाँ पर अगर आप बोटिंग करेंगे तो आपको 100 रुपये लगेंगे। और दोस्तों, ये खास करके जबलपुर में घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, और आप जबलपुर आएँ तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।